तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका। हिस्ट्री क्लास चल रही है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनिक आई एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राज़ी में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। करीब 125 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं, लास्ट 2 मंथ में अपलोड भी हो चुकी हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आप चाहे UPSC प्री या मेंस दे रहे हों, स्टेट PSC प्री या मेंस दे रहे हों, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, यहाँ तक कि अग्निवीर टाइप का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों, तो एक ही प्रकार की वीडियो में आपको सब चीज़ें मिलें। चलिए फिर समय गंवाए बिना सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, अपलोड भी हो चुका है वो, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। अब हम पार्ट 3 की बात करेंगे। यहाँ से आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख रखी हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। खैर, तो मातृदेवी जो थी, मातृदेवी की जो मूर्तियाँ हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद बात आती है डांसिंग डोल या कांसे की नेतृत्व मूर्ति। एक्चुअली एक मोहनजोदड़ो से एक ब्रॉन्ज की या कांसे की मूर्ति मिली है, वो उसका जो है ना, आप लोग ऑनलाइन देखेंगे, नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। काले रंग की मूर्ति है, इस तरह से उसको इस तरह से दिखाया है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो डांसिंग स्टाइल में हो। हाथ में चूड़ी भरी हुई है, लिपस्टिक भी है उसके मुँह पर, है ना, तो और पूरा का पूरा सांचे में ढली हुई है। तो वो जो विधि है, जिस विधि से वो मूर्ति बनाई गई है, उसको कहते हैं हम मधुचिष्ट विधि या मोम सांचा विधि। बाद में इसी विधि का इस्तेमाल करके नटराज की मूर्ति बनी है, शिव जी की, नटराज की जो मूर्ति है वो बनी है। तो कांस इसे कहते हैं हम कांसे की नेतृत्व मूर्ति या डांसिंग डॉल। ये पाकिस्तान में, हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान के म्यूज़ियम में है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर सवाल आया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना, तो डांसिंग डॉल, ध्यान रखना कला का। अच्छा, इसमें बड़े मज़ेदार सवाल बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला के दर्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो मोहरों पर। कला के दर्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मोहरों पर। कला का सबसे अच्छा नमूना डांसिंग डूल, डांसिंग डॉल या नेतृत्व मूर्ति। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अच्छा निर्माण आप बताएंगे इमरान जी, सबसे अच्छा निर्माण? हाँ, ग्रेटर स्विमिंग पूल। उसको ग्रेटर स्विमिंग पूल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस जैसे स्विमिंग पूल और भी जगहों से मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो स्विमिंग पूल है वो सबसे बड़ा है, बृहत स्नानागार। ओके, तो कला का निर्माण का या स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है, बृहत स्नानागार या ग्रेटर स्विमिंग पूल। और कला के दर्शन सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ होते हैं, मोहरों पर। और सर्वश्रेष्ठ कृति या सर्वश्रेष्ठ जो कला का नमूना है उसे हम, स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना ग्रेटर स्विमिंग पूल, और कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की डांसिंग डोल या नेतृत्व मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिली गई। और कहते हैं कि जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में डांस की अलग अलग मुद्राएं हैं, तो उसी में से एक मुद्रा ये भी है, या शिव जी की जो नटराज मूर्ति है वो इसी से प्रेरित है। बाद में जब हम बात करेंगे ना, स्पेशली मेंस में, मेंस के लिए जब आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन, लिगेसी क्या है, उसकी विरासत क्या है। तो आप देखें ना, जो आज भरत मुनि के नाट्यशास्त्र हैं या नटराज की प्रतिमा है या आजकल जो डांस की मुद्राएं हैं, तो आप देखें वहीं से प्रेरित है। ओके, यहाँ पर सारा मैंने लिख रखा है। धनी सौदागर का घर। अब खुदाई में एक घर ऐसा मिला जिसको हमने नाम दिया धनी सौदागर का घर। हमने उसको धनी सौदागर का घर नाम क्यों दिया? दरअसल उसमें दीवारों पर पलस्तर के निशान मिलते हैं, फर्श के निशान मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ से सोने की परत चढ़ी एक कटोरी मिलती है। इसके अलावा सोने चांदी के और भी बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ से एक वाश बेसिन मिला है, वाश बेसिन। तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ही कोई धनी सौदागर होगा, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया धनी सौदागर का घर। कहाँ से मिला है ये? बनबाली से। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिली है। कुम्हारों के 6 भट्टे मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मैं बता चुका हूँ आपको पार्ट 2 में। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा, सूती कपड़ा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा, सीप का पैमाना, हाथी की खोपड़ी, हिंदी की किताबों में लिखा रहता है हाथी का कपाल खंड, माने हाथी की खोपड़ी, दाढ़ी युक्त सिर, एक धड़ मिला है, एक सिर मिला, धड़ नहीं मतलब पैर नहीं है उसके, एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति जो वो मूर्ति जो है किसी पुरुष की है, और आप लोग उस पर नेट पे देखेंगे दाढ़ी युक्त सिर, तो आपको उसकी जो है कि फ़ोटो भी दिखाएगा। अभी रिसोर्सेज सीमित हैं, तो इस बोर्ड से हम काम चला रहे हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर रिसोर्सेज बढ़े तो यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड ला करके और प्रोजेक्टर ला करके आपको सारी की सारी चीज़ें हम लाइव या ऑनलाइन दिखाएंगे। उसमें समय लगेगा, बट बस आपका सहयोग चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।
सब्सक्रिप्शन फ्री है। ओके, तो वहाँ से एक सिर मिला है, वो मंगोलियाइड पुरुष जैसा मिलता है, वो मंगोलियाइड नेशनल जैसा मिलता है वो, और उसमें जो है दाढ़ी को बड़े अच्छे करीने से सजाया गया है। तो दाढ़ी को इस तरह से सजाया गया है कि जैसे आजकल बार-बार के टूर होते हैं ना, कैंची, उस्तरा, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर रही होंगी, और उस्तरा मिला भी है, खुदाई में उस्तरा मिला भी है। तो दाढ़ी युक्त सिर जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा पशुपति शिवजी की, जिसे हम शिवजी का रूप कहते हैं, पशुपति की मूर्ति बहुत सारी मिली हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही एक जगह से, किसी एक ही जगह से 42 अस्त व्यस्त नरकंकाल मिले हैं, स्त्रियों के भी हैं पुरुषों के भी हैं। तो एक ही जगह से 42 अस्त व्यस्त नरकंकालों का मिलने का मतलब यह है कि या तो कोई आपदाई होगी या फिर कोई हमला हुआ होगा जिसमें बहुत से लोग मारे गए होंगे, और यही चीज़ें जो हैं वो आर्यों के हमले की ओर इशारा करती हैं। ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले, मैंने लिखा ना आल मोहनजोदड़ो, तो ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चन्हूदड़ो को कहते थे हम औद्योगिक नगर, वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंडस्ट्रियल सिटी था वो था चन्हूदड़ो। यहाँ से किसके कारखाने मिले हैं, लिपस्टिक के, गैरू कलर के, मन के निर्माण के कारखाने मिले हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है चन्हूदड़ो। साथ ही साथ लोथल से बंदरगाह मिला, पश्चिम एशिया से व्यापार का या विदेशी व्यापार का या समुद्र रास्ते व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था लोथल। ध्यान रखना, सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिम एशिया से या विदेशी व्यापार से या समुद्र के रास्ते व्यापार से सबसे बड़ा सेंटर था लोथल। कहाँ पर है ये? खंबात की खाड़ी में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाओगा, व्यापारिक नगर लोथल और औद्योगिक नगर चन्हूदड़ो। वृषभ कुवड़वाला बैल, तो वृषभ या कुवड़वाला बैल जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं वो मिली हैं मोहनजोदड़ो से, सबसे ज़्यादा मोहरें। इसके बाद मैंने अभी आपको पहले या दूसरे पाठ में बताया भी था लिपि के बारे में, भावचित्रात्मक लिपि के बारे में, इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ। ये लिपि जो थी भावचित्रात्मक थी, इसमें सीधी और पड़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा जो चिन्ह मिला है वो युवाकार का मिला है, और इसमें ज्यामिति चिन्हों का प्रयोग होता था। और ये जो लिपि है, लिखने की जो विधि थी, इसको हम कहते थे ब्रूफोस्टन विधि। इसमें R टू L यानी कि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है ना, जैसे आजकल अरबी, फारसी, उर्दू लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं इस तरह से। सुतका गेंडोर, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मैच्योर स्टेज यहाँ पर मिली है, परिपक्व अवस्था मिली है सुतका गेंडोर से। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी साइड भी है यहाँ की, और ये अरब सागर का मकरान तट जो है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में अरब सागर का जो मकरान तट है उसके किनारे था ये। ये किसी नदी के किनारे, और किस नदी के किनारे है या किस नदी के मुहाने पर है बलूचिस्तान? याद है, दाश्क नदी के मुहाने, दाश्क नदी के मुहाने पर है। किसकी बात कर रहे थे हम? सुतका गेंडोर की। दाश्क नदी के मुहाने पर है, अरब सागर में मकरान तट पर है, वो इसकी जो खोज की थी सबसे पहले आर्यल स्टीन ने की थी। ये भी बंदरगाह नगर था और पश्चिम एशिया या मेसोपोटामिया और आईबीसी के बीच में व्यापार का मध्यस्थ था। चार पहिया गाड़ी या चार पहियों की खिलौने नुमा गाड़ी, एक खिलौना मिला है जो गाड़ी की आकार का है, उसमें चार पहिए हैं। कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से मिला, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो पशुपति की सील मिली है ना, पशुपति वाली जो मोहर मिली है, या पशुपति शिवजी की जो आकृति मिली है, उसमें पांच पशु हैं। आपसे पूछेगा उसमें पांच पशु, उसमें वनडे में नहीं पूछेगा, आईएएस में पूछेगा आपसे, उसमें पांच पशु हैं, गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरण। इसमें ये भी है कि कौन सा दाएं बना है, कौन सा बाएं बना, इतनी टेंशन मत लो, नहीं तो कुछ याद रहेगा नहीं। देखो, शेर और ऊंट तो हो नहीं सकते, उससे तो परिचित नहीं थे। हमें पता कैसे चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे और किससे परिचित नहीं थे? या तो खुदाई में उसके निशान मिल जाएं, या फिर किसी मोहर पे, किसी मूर्ति पे उसका चित्र बना हुआ मिल जाए। तो शेर ऊंट से परिचित वो थे नहीं, वो लोग परिचित थे गैंडा से, भैंसा से, हाथी, बाघ और हिरण, और ये पाँच जो पशु हैं पशुपति की मूर्ति पर मिले हुए हैं। अब पहले ही मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे कौन, इसके निर्माता कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि आर्य ही एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। बाद में आर्यों की जो शहरी विशेषताएं थी उनका पतन हो गया और वो ग्रामीण आबादियों के रूप में बदल गए। ये इनका मत है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे
आर्य थे। राखलदास बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविण थे। ठीक है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, मिस्र की सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। जॉन मार्शल कहते हैं, जो कि तत्कालीन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा पहली बार खुदाई की गई थी। वो पहली बार खुदाई की गई बस्ती कौन सी थी? हड़प्पा। मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया डिटेल में इसको कि जो सर जॉन मार्शल थे, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, इनके दिशा निर्देशन में पहली बार जो साइट खोदी गई या खुदाई की गई वो थी हड़प्पा। और खुदाई के डायरेक्टर उस समय कौन थे मौके पे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में पहली खुदाई जो हुई वो हड़प्पा की हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। सर जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। ठीक है ना, अब पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इराक की मेसोपोटामियन और मिस्र की सुमेरियन सभ्यता के समय की थी, उसके समकालीन थी, और आकार आबादी दोनों में ही उससे बड़ी थी। ठीक है ना, अब मेसोपोटामिया, बार बार हम कह रहे हैं ना दजला और फरात नदी घाटी में, जैसे हमारे यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, उसी तरह से इराक की जो मेसोपोटामियन सभ्यता है वो दजला और फरात नदी की घाटियों में फली फूली थी। ठीक है ना, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिनका नाम है दजला और फरात। तो अब आप समुद्र के रास्ते अगर इराक की तरफ को जाएंगे, मेसोपोटामिया को जाएंगे, तो जैसे आज यूरोप से ज़्यादातर लोग आते थे तो कहाँ रुकते थे? बॉम्बे, है ना, बॉम्बे में आते ठहरते थे ना। पुर्तगाली सबसे पहले आते तो कहाँ रुकते थे? कालीकट, कोची वगैरह। तो बॉम्बे को गेट वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह से मेसोपोटामिया में एक बंदरगाह शहर था, उर भी था, किश भी था, और भी कई सारे बंदरगाह शहर थे। तो जो उर बंदरगाह था मेसोपोटामिया का या इराक का, वो कहलाता था मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार। उनके लिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार रहा होगा लोथल या सुतका गेंडोर। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रवेश द्वार था उर। ये सवाल खूब आता है, किधर गया भाई, कहाँ लिखा मैंने, ये मेसोपोटामिया का प्रवेश द्वार। अब यहीं पे बार बार आपसे पूछेगा मेलुहा, अक्सर पूछा जाता है मेलुहा क्या है। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम था मेलुहा, है ना, इसका नाम था, तो शायद ये एम्पायर का नाम रहा होगा मेलुहा। तो उर मेसोपोटामिया में प्रवेश द्वार, और मेलुहा जो था मेसोपोटामियन लोग, हम लोगों को या आईबीसी के लोगों को मेलुहा कहते थे। ठीक है, इसके अलावा दिलमुन, आज का जो बहरीन आइलैंड है, बहरीन देश है, उसका पुराना नाम है दिलमुन, और आज का जो ओमान देश है उसका पुराना नाम है माकन। तो ये जो थे बिचौलिया थे मेसोपोटामिया सुमेरियन और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था उसमें बिचौलिया का काम करते थे, समझ रहे ना। आजकल जैसे हम लोग जाते हैं ना यूएसए जा रहे हैं, तो यूएस से जाते हुए अक्सर जो फ्लाइट रुकती है दुबई या जर्मनी में रुक जाती है, है ना, और रुकना, ईंधन भरना, आराम करना, दुबई या जर्मनी में फ़्लाइट रुक जाती है। अच्छा, सिंगापुर, हांगकांग जैसे जो बंदरगाह खूब डेवलप या विकसित हो चुके हैं, मालदीव, मॉरिशस जैसे, तो ये समुद्र में उन रूट पर हैं दूरदराज के, जहाँ पर आते जाते शिप यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, खाना पानी, ईंधन वगैरह भरते हैं, उसी से ये काफ़ी सारे अच्छे खासे डेवलपमेंट इनका हो गया। तो दिलमुन बहरीन, ओमाकन ओमान, तो ये व्यापार के बिचौलिए थे, किसके बीच में? सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में। ठीक है, तो आगे चलें, पार्ट तीन में ही इतना ही, अब आपसे मिलेंगे हम पार्ट चार में। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।